चीनी लहसुन का पूरे देश भर में जमकर विरोध किया जा रहा है। व्यापारी और किसानों द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि चीन के लहसुन को भारत में पूरी तरह बंद किया जाए, जिसको लेकर कल नीमच लहसुन मंडी बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन वापस फैसला बदल कर यह निर्णय लिया गया था कि नीमच लहसुन मंडी बंद नहीं रखी जाएगी। जब नीमच लहसुन मंडी बंद नहीं हुई तो एक बड़ी संख्या में किसानों ने एकत्रित होकर हंगामा खड़ा कर दिया और मंडी बंद करवाई। किसानों ने बताया कि चीन की लहसुन का भारत में पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। चीन की लहसुन से किसानों और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो चाइना लहसुन आ रहा है, इस चाइना लहसुन के विरोध करने के लिए सारे किसान लोग हम यहाँ एकत्र हुए हैं और इसके साथ में व्यापारी लोग भी इसका पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे थे और किसी कारणवश आज नीमच मंडी जो वापस चालू करने की बात करी है। पहले तो नीमच मंडी बंद करने की बात थी, पहले आवेदन दे चुके थे, नीमच मंडी पूर्ण रूप से बंद हो चुकी थी, एमपी की सारी मंडियां बंद थी, राजस्थान की सारी मंडियां बंद है। ये नीमच मंडी आज जो वापस 1 बजे चालू होने की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का कुछ ना कुछ इनके ऊपर दबाव आया है, उस दबाव के कारण वापस मंडी चालू करने की बात करी है। तो अब ये ज्ञात हमको, किसान लोगों को ये ज्ञात अब पता चला कि वापस नीमच मंडी चालू हो रही है, तो हम सारे किसान लोग एकत्र होकर चाइना लहसुन के विरोध में एक साथ में यहाँ पे खड़े हुए हैं। पहले व्यापारी लोग चाइना विरोध में थे, अभी भी है, लेकिन वो राजनीति दबाव के कारण वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए किसान लोग वापस उनके साथ में आकर एकत्रित हुए। ये जो देशद्रोह कर रहे हैं, जो देश के खिलाफ गद्दार लोग जो हैं, व्यापारी हैं, कुछ व्यापारी हैं जो चंद टुकड़ों के कारण अपना ईमान बेचकर इस देश के अंदर चाइना लहसुन मंगवा कर सारे हिंदुस्तान के किसानों को नुकसान देना चाहते हैं, सारे हिंदुस्तान के व्यापारियों को नुकसान देना चाहते हैं। तो उन लोगों के खिलाफ सरकार से मैं अपील करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनका पूर्ण रूप से जितना भी माल मंगवा रहे हैं वो पूर्ण रूप से उसका नष्ट करके, उसका नष्टीकरण करके हिंदुस्तान के माल को ही जो बिका जाए। ये पूर्ण रूप से किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इसके लिए किसान यूनियन ने भोपाल में आवेदन दे चुका है बंद मंडी के लिए, तो वो आवेदन आप वहां से मंडी कमेटी वहां से प्राप्त कर सकती है। अगर वो ये बोल रहे हैं कि हमारे किसानों ने हमको आवेदन नहीं दिया है, तो हमने आवेदन भोपाल दे रखा है, किसान संघ यूनियन ने भोपाल आवेदन दे रखा है, मंडी बोर्ड भोपाल में आवेदन दे रखा है। मंडी अब बंद रहेगी, आज 10 सितंबर के दिन मंडी पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इसका सारे किसान पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं और जो माल बिकने के लिए आज मंडी के अंदर आया है, कुछ किसानों का माल बिकने के लिए आया है, वो भी ये चाहते हैं, वो भी हमारे साथ में है कि हमारा माल हम आज नहीं बेच रहे हैं, हम माल कल बेचेंगे, कल मंडी चालू रहेगी तो हम कल बेचेंगे। मेरा नाम लक्ष्मण पंड्या, मैं सावन का निवासी हूँ, मेरा जिला नीमच है। ये किसानों के लिए चाइना लहसुन के विरोध में मंडी बंद करने का ये हो रही है। पूरे नीमच जिले से, नीमच चित्तौड़ जिले से किसान यहाँ पहुँचा है। चाइना लहसुन अवैध तरीके से भारत में आ रही है, इसलिए देशी के बाजार कम हो रहे हैं, इसलिए चाइना लहसुन को विरोध किया जा रहा है। चाइना लहसुन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, 2 साल पहले कोरोना आया था वो भी इसी की वजह से आया था। महेश धाकड़। नहीं नहीं, देखिए कि पहले जो है व्यापारी संघ की तरह बंद रखा गया था और फिर वापस व्यापारी संघ के द्वारा आवेदन देके मंडी को चालू रखी गई है, उसी संदर्भ में जो है मंडी चालू थी। अभी कुछ किसान लोग आए कि मंडी नहीं चल, तो अब इस परिस्थिति में देखते जो भी परिस्थिति बनती है उस अनुसार तदानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हाँ, पहले व्यापारियों के द्वारा लिया गया, बताया गया था कि वे मंडी में नीलामी में भाग नहीं लेंगे, लेकिन उसके पश्चात वापस व्यापारी संघ के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करके ये बताया उन्होंने जो है बंद की जो घोषणा करी थी, जो आवेदन दिया था उसको वापस लेते, वापस इन्होंने मंडी में नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन दिया था, उसी तारतम्य में जो है मंडी चालू रखी गई थी। समीर दास, मंडी निरीक्षक।